यार क्या सुपर मूवीज या कोई जो सुपर हीरोज या सुपर हीरो मूवीज जो है, क्या उनका जो समय या उनका जो एक गोल्डन एरा था वो खत्म हो गया है? चमाइलो रे, उठा के बाल्टी मारेगा साला, पानी नहीं मांगेगा। देखो ऐसी बात नहीं है, देखो मार्वल हो या डीसी दोनों भी जो है ना काफी अच्छी मूवीज डिलीवर कर चुके हैं, बट उन्होंने अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वही इतनी हाई कर दी लोगों के लिए कि अब लोगों को एंड गेम से बड़ी मूवी चाहिए, वो भी हर एक मूवी। हालांकि उसका जो एक पैटर्न था, लेकिन अगर मार्वल कोई नया पैटर्न ट्राई करे या डीसी कोई नया पैटर्न ट्राई करे, जैसे मून नाइट हो गया, तो पनिशर हो गया, कोई थोड़ी सी ब्रूटैलिटी, थोड़े से ट्विस्ट टर्न्स, मैंने बॉलीवुड बनने को नहीं कह रहा लेकिन थोड़े से जो है ना चेंजेस ला सकता है मार्वल और डीसी या कोई जो पूरा सुपर हीरो जॉनर है। देखो टाइम के साथ बदलना पड़ता है और ये उन लोगों को बस अडेप्ट करने की देर है, बाकी वो लोग अपने आप ही वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हमें भी कौन सा कंटेंट देखना है या को उन्हें हमें कौन सा कंटेंट दिखाना है। देखो भैया एंट मैन जो है ना वो इतना बढ़िया कंटेंट नहीं था जितना तुम प्रमोट कर रहे हो। चूना लगा दिया। इसको जल्दी से जल्दी जो है ना मार्वल को समझना होगा या को पूरा मार्वल डीसी सबको समझना होगा, क्योंकि लोगों का एनीमे का जो रास्ता है वो भी पता है और एनीमे काफ़ी आगे है सब में। वो इफेक्ट्स अच्छे देता है, वो डायलॉग राइट डिलीवरिंग जो है वो अच्छे देता है, उसमें आर्टिस्टिक वर्ड बढ़िया होता है और मेन स्टोरी बढ़िया होती है। सब कुछ सेम नहीं लगता कि अरे ये इसके जैसा है, हर एक एनिमे एक डिफरेंट अप्रोच लेके तुम्हारे सामने आता है। तुम भले कुछ पॉइंट्स कलेक्ट कर पाओगे लेकिन हर एक एनिमे का अपना एक डिफरेंट मीनिंग, अपना एक डिफरेंट स्टोरी आर्क, अपना डिफरेंट स्टोरी, अपना डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो किसी से सिमिलर नहीं लगते और ना ही उनका पैटर्न सेम होता है। तुम किसी एनिमे को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? बाकी तुम लोगों का फेवरेट एनिमे कौन सा है कमेंट करके बताओ और सुपर हीरो मूवीज कौन सी है भी कमेंट करके बताओ। बाकी मेरे हिसाब से तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं होता हूँ ऐसे और अमेजिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। इमोशनल टाइम।